विभीषण आओ मेरे भ्राता, तुम्हारा भाई तुमसे गले मिलना चाहता है। नहीं महाराज विभीषण, ये दुष्ट छल कर रहा है, आगे मत बढ़िए, इसकी चाल में मत फंसिए आप। ये तो बस अवसर पाकर हम दोनों का वध करना चाहता है। मेरे कथन पर आपको विश्वास नहीं तो इसे कहिए अपने हाथों को आगे बढ़ाए, जिनमें इस दुष्ट ने हमारा घात करने के लिए राक्षसी खड़क छुपा रखे हैं। मुझे पता है मेरे भ्राता, तुम्हें मुझ पर विश्वास करने में अभी समय लगेगा प्रिय अनुज, परंतु तुम्हारे द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वर्णन से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ अनुज। कोई महिमा नहीं है उस वनवासी के नाम की, अवश्य तुम्हारी किसी माया का प्रभाव है, अन्यथा क्या है उस साधारण वनवासी में जो स्वयं एक तुच्छ नर के सिवा कुछ भी नहीं। आप जिन्हें साधारण नर कह रहे हैं उनकी ऐसी अपार महिमा है कि उनकी सेवा से साहस प्राप्त होता है, उनकी भक्ति से शक्ति मिलती है, संसार के समस्त अमूल्य रत्न भी जिनके चरणों की धूल से अधिक मूल्यवान नहीं। मेरे प्रभु श्री राम वो हैं जिनके नाम से जीवन है और जिनके होने से ये संपूर्ण जग है। जिन्हें आप साधारण नर कह रहे हैं वही इस संसार का आधार है, यदि वो न हो तो ये जग भी ना रहे। हनुमान उचित कह रहे हैं। प्रणाम देवी स्वयं प्रभा। देवी स्वयं प्रभा, आप भी इस वानर का साथ देने के लिए प्रस्तुत हो गई? हाँ, क्योंकि मैं आपको उन भगवान विष्णु के विरुद्ध जाते नहीं देखना चाहती जिनकी कृपा से आपको पुत्री रूप में मंदोदरी प्राप्त हुई। वही मंदोदरी जिसके सुहाग के मिटने का प्रतिशोध लेने के लिए आप इतने प्रयास कर रहे हैं। स्मरण कीजिए, अप्सरा हेमा से विवाह करने के उपरांत आप निसंतान थे, तब प्रभु श्री विष्णु जी के आशीष से आपको संतान रूप में मंदोदरी प्राप्त हुई थी। मैं आपको वरदान देता हूं, शीघ्र ही आप एक धर्मपालिका एवं रूपमती पुत्री के पिता बनेंगे। मुझे श्री हरि प्रभु विष्णु जी के वरदान से मंदोदरी जैसी पुत्री प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, राम की कृपा से नहीं। यही तो आपकी भूल है, मंदोदरी के जन्म का एक और उद्देश्य था जो था रावण को धर्म के मार्ग पर लाना, किंतु मंदोदरी के प्रयासों के बाद भी रावण ने धर्म को नहीं अपनाया। प्रभु श्री राम श्री हरि विष्णु जी के ही अवतार हैं और श्री राम के हाथों रावण का वध नहीं हुआ अपितु उसके कुकर्मों के दंड के रूप में उसे अधर्म से मुक्ति प्राप्त हुई है। इसका उपकार मानने के स्थान पर आप उन्हीं श्री राम से प्रतिशोध लेने पर तुले हुए हैं। क्योंकि मुझे विश्वास नहीं कि राम श्री विष्णु हरि जी के अवतार हैं। यदि होते तो उन्हें दशानन रावण और शतानन का वध करने में इतना समय नहीं लगता। ये आपका भ्रम है मायासुर जी, भ्रमवश आप प्रभु की मर्यादा को उनकी दुर्बलता समझ रहे हैं। तो मिटा दो मेरा भ्रम वानर, प्रमाणित कर दो कि राम ही प्रभु श्री नारायण है।
वचन देता हूँ मैं, यदि तुम मुझे विश्वास दिलाने में सफल हुए तो मैं इस लोक का राजा होने के नाते तुम्हें अविलंब आगे जाने की अनुमति देकर समय रहते अपने कार्य संपन्न करने दूंगा। परंतु यदि तुम मुझे विश्वास दिलाने में असफल रहे तो तुम अपने कार्य में भी असफल रहोगे। यहां तुम्हारा आने का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा, अपूर्ण रह जाएगा तुम्हारा राम काज। कहो स्वीकार है मेरी चुनौती? हनुमान कितने भी प्रयास कर ले परंतु फिर भी संभव है कि मायासुर जी प्रभु अवतार के रहस्य को समझने में अक्षम रहे, इसीलिए हनुमान को ये चुनौती कदापि स्वीकार नहीं करनी चाहिए। प्रभु, महाराज सुग्रीव के साथ साथ इन सभी योद्धाओं की अवस्था भी गंभीर होती जा रही है। प्रभु, अब तो ये अष्टम आदित्य भी अस्त होने जा रहे हैं। महाराज विभीषण और अंगद अभी तक नहीं लौटे, अब हमें क्या करना चाहिए? प्रभु, तुम उचित कहते हो भ्राता, यहां अकेले मृत्यु का भागी बनने से तो अच्छा है मुझे प्रभु श्री राम के चरणों में जाना चाहिए। इसलिए प्रिय भ्राता, तुम्हारे कारण ही मैं अपने हृदय में इतना विशाल परिवर्तन ला सका हूं। अब तो मुझ पर विश्वास करके अपने स्नेह स्पर्श से मुझे साहस दो भ्राता। आओ मेरे गले लग जाओ भ्राता। भ्राता श्री, वानर श्रेष्ठ अंगद, आप भी मुझे साहस जुटाने में सहायता करें, जिससे मैं आपके प्रभु श्री राम के समक्ष जा सकूं। एक और एक दुष्ट राक्षस राममय होने का ढोंग कर रहा है और दूसरी ओर दूसरा राक्षस राम नाम की महिमा को देखकर भी उसको अनदेखा कर रहा है। परंतु देवराज, इन दोनों में उद्धार उसी का होगा जो राम नाम की महिमा को समझकर उसे स्वीकार करेगा। प्रभु के नाम की महिमा और उनका श्री नारायण अवतार होना मैं बहुत सरलता से प्रमाणित कर सकता हूं, परंतु उसके लिए आपको मेरे भक्तिपूर्ण नेत्रों से प्रभु को निहारना होगा, मेरे हृदय की भक्ति से प्रभु का परिचय प्राप्त करना होगा, लघु अवकाश के लिए अपने समस्त विकारों को तजना होगा। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो मैं ये अभी संभव कर सकता हूं। अवश्य, परंतु यदि तुमने कोई अपनी माया रचने की चेष्टा की उसका परिणाम तुम्हें ज्ञात है। तुम अपने उद्देश्य में विफल रहोगे, विफल रहोगे, विफल रहोगे, विफल रहोगे। अवश्य कोई छलावा कर रहा है ये वानर, प्रतीत होता है इस दिव्य प्रकाश को उत्पन्न कर ये मुझे हानि पहुंचाना चाहता है। मुझे अपने मायावी अंधकार का विस्तार करना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।
भ्राता श्री। आओ अनुज, अपने भ्राता के समक्ष आओ। कुलघाती, अपनी मृत्यु से भेंट करो, शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। अब तुम भी नहीं बचोगे वानर। महाराज, महाराज इधर आइए प्रकाश में। दुष्ट वानर, प्रकाश में जाकर तूने अच्छा नहीं किया। इस दुष्ट ने छल किया है आपके साथ। आप चिंता मत कीजिए महाराज विभीषण, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। चले और चलाई राम सिया राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम सिया राम जय हनुमान। रुचि कर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। यहां से भागकर नहीं जा सकते वानर, अधिक समय तक जीवित नहीं रहोगे तुम। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बच्चे, बच्चे महाराज, संभल के महाराज। आइए संभल के। बचकर कहां जाओगे? महाराज बचिए। अष्टम आदित्य के अस्त होने के पूर्व ही मेरा प्रभु श्री राम के निकट पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। राम, राम, राम। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रतीत होता है ये यहां से निकलने का मुख्य और अंतिम द्वार है। यहां से पार पा लिया तो महाराज विभीषण और मैं दोनों सुरक्षित हो जाएंगे। ओह
वानर, जीवित नहीं जाने दूंगा तुम्हें और इस कुलघाती को। जय श्री राम, जय श्री राम। आप धन्य हैं हनुमान। मैंने आपकी भक्ति को निरस्त करने का प्रयास भी किया, परंतु फिर भी आपने मुझे प्रभु के दर्शन करा ही दिए। आयु और अनुभव में मुझसे कहीं बड़े हैं आप, इसलिए मुझे इस प्रकार लज्जित मत कीजिए। मैं तो मात्र आपको यह दर्शाना चाहता था कि जहां प्रभु का नाम वहां कोई माया नहीं। व्यक्ति के अंतर का कोई भी विकार प्रभावी नहीं रहता। मुझे आशा है अब तो आप प्रभु के नाम की महिमा, उनके दिव्य और वास्तविक रूप से परिचित हो गए होंगे। हाँ हनुमान, आपने अपना वचन निभाया और अब मैं अपना वचन निभाऊंगा। अब आपकी यात्रा में मात्र 3 लोक शेष हैं। आपके आगे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आपको अगले महातल लोक में प्रवेश मैं दिलाऊंगा। प्रणाम देवी स्वयं प्रभा। मैं हूं शतानंद, जिससे सुरक्षित नहीं किसी का आनंद। जो मैंने इन दोनों के साथ किया वही अब मैं तुम सबके साथ भी करूंगा। मुझे प्रभु श्री राम के श्री चरणों में ले चलिए। जय श्री राम। क्या हुआ महाराज विभीषण को? क्या हुआ? युवराज अंगद को क्या हो गया? क्या हुआ? अचानक ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि जैसे किसी ने आहत किया हो मुझे? ये अचानक मेरे हृदय में ऐसी वेदना क्यों जागृत हुई, जैसे कहीं कोई घोर अनिष्ट घटित हुआ हो? अब शीघ्र वातावरण में व्याप्त अपनी समस्त शक्ति को एकत्रित कर मैं इन आदित्य की शक्ति को अपने वश में कर लूंगा। फिर देखता हूं कौन शतानन रावण से इन नर और वानरों की रक्षा कर सकता है।
उस वानर के लौटने के पूर्व और अंतिम आदित्य के अस्त होने के पूर्व मैं इन सबके जीवन के प्रकाश को अंधकार में परिवर्तित कर दूंगा, परिवर्तित कर दूंगा अंधकार में। मैं हूं शतानंद, मुझसे सुरक्षित नहीं है किसी का आनंद। धर्म का साथ देने वालों को कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, जिसके लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।